वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है फिर से हमारी इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? जिस तरह हो चुका है ट्रेलर रिलीज, जिसका नाम है मिशन रानीगंज, जो है अक्षय कुमार स्टारर और परिणीति चोपड़ा। तो चलिए करते हैं, कैसा है ये ट्रेलर, कैसे इसके अंदर VFX, कौन है इसका डायरेक्टर, कैसा है इसके अंदर परफॉर्मेंस, तो बनिए रही हमारे वीडियो के साथ। हम करते हैं इस सारे टॉपिक के ऊपर बात। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। 2000 years later, फर्स्ट एक इंस्टेंट जो कोल माइनर के अंदर सब पूरे काम करते हैं और अचानक से दीवार खींचने की वजह से पानी अंदर घुस जाता है और इसके वजह से सरकार कुछ कर नहीं पाती है। और जसवंत गिल को सोचता है आइडिया, और जसवंत गिल देखते सुझाव और खुद इन माइनर्स को निकालने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं। जैसा परिणीति चोपड़ा बोलती है कि मुझे मेरे पति नहीं है, वो पहले कोल माइनर है, यहाँ पर कोल इंजीनियर है, वो ज़रूरी है उनको बचाने के लिए। और लोगों का आक्रोश होता है, हम कोशिश कर रहे हैं तो लोग इनके ऊपर गुस्से से आ जाते हैं। और इसी तरह से जसवंत सिंह गिल किस तरह निकालते हैं पूरा ट्रेलर के अंदर रिवील कर दिया गया है। तो अब बचा क्या है इसके अंदर? अब बचा ये है दोस्तों कि ये फिल्म आई कैसी गई है मूवी, जो कि 1979 के अंदर हुआ था हादसा। अब ये थिएटर के ऊपर हमें देखने के लिए कैसा मिलेगा, क्योंकि उस वक्त जो हुआ था हादसा और जसवंत सिंह गिल को दिया गया था एक अवार्ड, जो नेशनल बेस्ट अवार्ड था। तो हम देखेंगे अब रियल स्टोरी, जो रियल स्टोरी थी अब रियल में किस तरह से हमें थिएटर में देखने के लिए मिलती है। मिशन रानीगंज जो है अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म, मूवी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो है टीनू सुरेश देसाई। रानीगंज के अंदर जो आया था एक हादसा पेज, जिसके अंदर फंस गए थे 65 मजदूर, तो उसी बेस पर बनी है ये मूवी। माइनर फंस जाते हैं तो माइनर फंस जाने की वजह से उनकी जो फैमिली होती है आक्रोश में होती है और गुस्से के वजह से जनरल सिंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है, जैसे सीन में बताया गया है। हर संभव प्रयास कर, कैसा प्रयास, ढूंढना ही होगा। और कोल माइन के अंदर 65 जो माइनर फंसे हुए हैं, तो वो इस तरह से इस ट्रेलर के अंदर दर्शाया गया है। नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में। अरे हम लोग जिंदा हैं। जिस तरह से जसवंत सिंह लगाते हैं एक आइडिया और आइडिया को बताया जाता है ट्रेलर के अंदर इस तरह से, सर आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। ये मूवी रियल इंस्टेंट बेस्ड मूवी है, जिसके अंदर VFX का काम जरूरी था और VFX भी कमाल लग रहे हैं इस मूवी के अंदर, जैसा से ये सीन में बताया गया है। और अक्षय कुमार ने जो किया है रोल इसके अंदर जसवंत सिंह गिल का, और उनके रोल को देखकर ऐसा हूबहू फीलिंग आ रही है जैसे जसवंत सिंह गिल खुद हो, क्योंकि पूरा फुल्ली सूट और फुल्ली लुक के अंदर दिख रहे हैं इसके अंदर अक्षय कुमार। और फैबुलस परफॉर्मेंस ऑफ द अक्षय कुमार, ऑसम लुक लग रहा है अक्षय कुमार का इस मूवी के अंदर। मैं नीचे जाना चाहता हूं सर। परिणीति चोपड़ा को थोड़ा सा ही ग्लिम्स दिया गया है पूरे ट्रेलर के अंदर, जैसे कि ये सीन के अंदर बताया गया है। वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। इस मूवी का जो हाइप है उस तरह से नहीं लग रहा है और ना ही आक्रोश लग रहा है पब्लिक के अंदर, कि जिस तरह से बनने चाहिए थी इसकी हाइप, उस तरह से हाइप तो नहीं लग रही है। और आने वाले वक्त के अंदर हमें पता लगेगा कि ये मूवी कितना हाइप क्रिएट करती है। ओ भाई साहब, ये मेकर्स ने क्या किया है, देखिए आप खुद ही समझ में आता है ये मूवी कैसी होने वाली है। ट्रेलर के ऊपर से पूरा लग जा रहा है, जिसके अंदर मेकर्स ने कुछ ना कुछ सस्पेंस बचा कर रखना चाहिए था, और जहाँ तक का मेकर्स ने ये बचा के रखना चाहिए था कि इस मूवी के अंदर आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, जिसे हम जाकर एक्साइटेडमेंट के अंदर हम जाकर थिएटर के ऊपर देख सकते थे। तो ये था ओवरऑल ट्रेलर का रिव्यू मिशन रानीगंज द भारत रेस्क्यू। तो आपको इस ट्रेलर के अंदर क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ओवरऑल हमारे वीडियो के अंदर आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर वीडियो पसंद आता है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में फिर एक बार।